अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान खान फ्राम पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ वन। दिस इज़ माई लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्लास 8 एंड 9। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 फ्राम एक्सरसाइज 2.1। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 से पहले जो है तो हमने ये पढ़ा था कि व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर द होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इंटीजर्स, उसके बाद फिर रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड देन यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर से जो रिज़ल्ट आया था उसको हम लोगों ने नाम दिया था रियल नंबर्स। ये सारा जो है तो जो मैंने आपको बता दिया ये बाकायदा हमारे रिस्पेक्टेड गौहर यूब सर ने जो है तो एक्सप्लेन कर रखा है लेक्चर नंबर 1 में। आज जो है तो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 में जो है तो आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा 2.5, 3, 5 बाई 7, माइनस 1.96, रेडिकल साइन 36, माइनस 7, रेडिकल साइन 3, माइनस 9, 1, रेडिकल साइन 7, माइनस रेडिकल साइन 14, पाई 4 होल 2 बाई 3 एंड 0.333। दीज ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स सारे रेशनल नंबर्स में उसको जो है तो पहचान कर ली थी। फिर रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की पहचान करने के बाद उनका यूनियन ले लिया था तो उससे रिजल्ट आ गया था रियल नंबर। सो इन सब को हम लोग कहेंगे कि दीज ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ये गिवन रियल नंबर्स हैं एक्सरसाइज 2.1 में। एक्सरसाइज 2.1 में ये गिवन रियल नंबर्स हैं। हम लोगों ने जो है तो इन रियल नंबर्स में से जो है तो क्वेश्चन में जो जो बताया गया होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वो नंबर सेपरेट करने हैं। इसमें कुछ डेसिमल नंबर भी हैं, फ्रैक्शंस भी हैं, होल नंबर भी मौजूद हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी मौजूद हैं, बट इन सब का कंबाइन जो नेम है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा है कि विच आर होल नंबर्स, यानी ये गिवन रियल नंबर्स हैं बाकायदा एक्सरसाइज 2.1 में पेज नंबर 54 पे मौजूद है। इस क्वेश्चन को लिखने से पहले ये सारे रियल नंबर्स लिखे गए हैं और कहा गया है कि इन गिवन रियल नंबर्स में से आप लोग सेपरेट कर लीजिए ओनली होल नंबर्स को। तो हम लोग होल नंबर्स को सेपरेट करते हैं। इससे होल नंबर्स को सेपरेट करने से पहले आपको सेट ऑफ होल नंबर्स मालूम होना चाहिए। सेट ऑफ होल नंबर्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, up to so on। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और देन पॉजिटिव नंबर्स यानी 1, 2, 3, 4, 5, up to so on, ये नंबर जो हैं ये होल नंबर्स हैं। तो हमने 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, up to so on, इन नंबर्स में से जो नंबर आपको इन गिवन रियल नंबर्स में नज़र आएगा उसको हम लोग इस क्वेश्चन के नीचे बतौर आंसर लिखेंगे और हम लोग कहेंगे कि दीज आर रियल नंबर्स बट आल्सो दीज आर प्रेजेंट इन द सेट ऑफ होल नंबर्स। सो 2.5 रियल नंबर है बट इसका डेसिमल ना भी है, डेसिमल नंबर है, डेसिमल फ्रैक्शन है। 3 वैसे तो इसको हम लोग ऑड नंबर भी कह सकते हैं, प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, सेट ऑफ होल नंबर में भी ये मौजूद है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में भी मौजूद है। अगर हम इसका डिनोमिनेटर चेक करें तो 3 का डिनोमिनेटर 1 है तो ये रेशनल नंबर भी बनता है, बट एज ए होल इन इस 3 का जो नाम है वो रियल नंबर है। लेकिन ये 3 जो है ये सेट ऑफ होल नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। सो दैट्स वाई 3 जो है हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। लेकिन अभी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, अब हम लोग आगे मजीद भी नंबर्स को देखते हैं। अगर हम लोग रेडिकल साइन 36 को देखें तो रेडिकल साइन 36 में यहाँ पे अगर आपके सामने लिख लूँ रेडिकल साइन 36, सो 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 6। सो वी कैन राइट 36 की जगह 6 मल्टीप्लाई 6, सो 6 मल्टीप्लाई 6 की जगह मैं लिख लूँगा 6 स्क्वेयर, तो स्क्वेयर जो है तो इस स्क्वेयर रूट की वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाता है तो जिससे रिजल्ट आ जाता है 6। तो इट मीन्स कि रेडिकल साइन 36 एक्चुअली 6 है अगर हम इसको रेशनलाइज करें तो, ये एक्चुअली जो है तो 6 है। तो 36 रेडिकल साइन ये भी सेट ऑफ होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। वाई? क्योंकि ये रेशनलाइज हो सकता है और आफ्टर रेशनलाइजेशन
ये जो है तो सेट ऑफ होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, लिहाजा 6 को हम लोग स्क्वायर द रूट 36 के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये सेट ऑफ होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं इसको सेट ऑफ होल नंबर में लिखूंगा। सो सेट ऑफ होल नंबर्स में हमारे पास जो है तो स्क्वायर द रूट 36 आ गया। नेक्स्ट जो नंबर हैं आप देख सकते हैं -7/6, ये तो सेट ऑफ होल नंबर को रिप्रेजेंट करता ही नहीं है। रेडिकल साइन 3 आप लोगों को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में कि कोई भी ऐसा नंबर जो के जो है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो और वो रेडिकल साइन में क्लोज हो तो वो इरेशनल नंबर कहलाता है, तो इसको तो हम लोग लिख नहीं सकते। -9 नेगेटिव इंटीजर है तो लिहाजा ये सेट ऑफ होल नंबर्स में मौजूद नहीं है। 1 जो है ये सेट ऑफ होल नंबर्स में मौजूद है, ये लिहाजा ये सेट ऑफ होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी हमारा आंसर होगा। जो बकाया जो नंबर आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं रियल नंबर्स, ये जो है तो सेट ऑफ होल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते, लिहाजा इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है, ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है विच आर इंटीजर्स, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है विच आर इंटीजर्स, इनमें से अब हम लोगों ने इंटीजर्स को सेपरेट करना है, तो इंटीजर्स के लिए आप लोगों को सेट ऑफ इंटीजर्स का जो है तो सेट याद रखना चाहिए, जिसमें 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 अप टू सो ऑन, ये जो है तो इंटीजर्स, ये नंबर जो है तो सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद होते हैं। मैं ज़रा आपके सामने सेट ऑफ इंटीजर लिख लेता हूँ। 0 राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, इस सेट को कहा जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो लिहाजा हम लोगों ने इन तमाम गिवन रियल नंबर में से ओनली इंटीजर्स जो है तो लिखने हैं, तो इंटीजर्स में आप देख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद 0, ये सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इनमें से जो नंबर, ये जो आपके सामने सेट ऑफ इंटीजर्स नज़र आ रहा है, इनमें से जो नंबर यहाँ गिवन नंबर्स में मौजूद होगा हम उनको सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिडर करेंगे कि ये जो है तो सेट ऑफ इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखें ये 3 यहाँ पर मौजूद है, गिवन नंबर में मौजूद है, लिहाजा 3 हमारा इंटीजर है। इस तरह 5/7 -1.96 जो है तो ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा, स्क्वेयर द रूट 36 हमें इस एक्सरसाइज में धोखा दे सकता है, कैसे? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसके ऊपर रेडिकल साइन देख के वो कहते हैं कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन अगर आप स्क्वेयर रूट में 36 को देखें तो 36 इज़ द परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 6, रेशनलाइजेशन के बाद इससे रिजल्ट 6 आता है, लिहाजा ये सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो स्क्वेयर द रूट 36 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है तो -9 जो है ये सेट ऑफ इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, 1 सेट ऑफ इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, बाकी जितने नंबर आपके सामने नज़र आपको आ रहे हैं इनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो डिमांड की गई थी कि विच आर इंटीजर्स, तो ये फॉलोइंग जो है तो नंबर थे जो कि इंटीजर्स थे, ये जो है तो रियल नंबर्स हैं लेकिन ये इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए जो है तो हम लोगों ने जो है तो इसको सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ इसकी कंपैरिजन करके और हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है, क्वेश्चन नंबर 3 है विच आर इरेशनल नंबर्स, मैं ये क्वेश्चन लिख दूं, विच आर इरेशनल नंबर्स, विच आर इरेशनल नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में डिमांड की गई है विच आर इरेशनल नंबर्स, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने ये एक्सप्लेन कर दिया था काफ़ी डिटेल से कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और वो रेडिकल साइन में मौजूद हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ऐसे सूरत में आप देख सकते हैं स्क्वेयर द रूट 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ एनी नंबर, सो इट इज़ नॉन परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, ये नॉन परफेक्ट स्क्वेयर है और रेडिकल साइन में क्लोज है। अगर हम इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो आफ्टर डेसिमल डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आएंगे और ये फिनिश भी नहीं होंगे, रिमाइंडर इसका 0 नहीं आएगा, सो ये एक इरेशनल नंबर है। स्क्वेयर द रूट 7 आपको नज़र आ रहा है, स्क्वेयर द रूट 7 ये भी
एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और रेडिकल साइन में क्लोज है, लिहाजा ये भी इरेशनल नंबर है। इसी तरह माइनस रेडिकल साइन 14, ये आपको नज़र आ रहा है माइनस रेडिकल साइन 14, ये जो है तो इरेशनल नंबर है क्योंकि 14 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑफ एनी नंबर, सो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर। अच्छा, पाई के बारे में भी हम लोगों ने ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि पाई इटसेल्फ जो है ये एक इरेशनल नंबर है, तो पाई को भी हम लोग इसका जो है तो इस क्वेश्चन के नीचे इसका आंसर लिख लेंगे और इसको भी हम कहेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। सो बेटा, इस लेक्चर नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया। गिवन नंबर जो आपके सामने मौजूद है, इस गिवन नंबर्स को जो है तो हम लोगों ने देखा कि ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। इसमें से हमने होल नंबर्स को सेपरेट कर दिया, देन सेट ऑफ यानी विच आर द इंटीजर्स, इंटीजर्स को सेपरेट कर दिया, और उसके बाद जो है तो हम लोगों ने इरेशनल नंबर्स को उसमें से सेपरेट कर दिया। तो बेटा यहाँ पर आज का हमारा जो है तो ये लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस के साथ हम लोग लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।